नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो सभी छात्रों के लिए आवश्यक हैं, उन छात्रों के लिए जो विभिन्न लेटेस्ट भर्तियों की परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं और आने वाली कुछ भर्तियों का भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी यहां पर अच्छी खबरें इस वीडियो में हैं। तो एक एक करके सभी खबरों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया पर, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे ग्रुप्स पर। उसके बाद अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लगातार देखने के लिए और हर अपडेट से वायरफ्री रहने के लिए। साथ में हम आपको बता दें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक दिया है, अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पर दिन भर की लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आते हैं भर्तियों के हम वहाँ पर शेयर करते हैं, वो आपको मिल सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। UPTET को लेकर आज एक सबसे बड़ी फिर अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ, UPTET 2020 का विज्ञापन निकालें, परीक्षा अभी यहाँ पर दूर है। जी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि परीक्षाएं 25 जुलाई को होनी है, जो लगभग 2 से 3 महीने बाद संभावित हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन लेने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए PNP को चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 TET को लेकर असमंजस्य लगातार बना है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है और लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में 11 मई को विज्ञापन व 18 मई से ऑनलाइन आवेदन होने के आसार नहीं हैं। ऐसी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो जब लॉकडाउन रहेगा तो वो अपने आवेदन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और फिर उनकी अलग से जो शिकायत होगी कि उनके आवेदन पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए उनको मौका दिया जाए। तो इस वजह से भी संभावित है कि इनको रद्द किया जा सकता है, आवेदन की तिथियों को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो रही है। परीक्षा नियामक कार्यालय व NIC के जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वो भी संक्रमित हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर टल सकती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, अंतिम निर्णय आपको 11 मई से पहले ही देखने को मिल जाएगा। अगर 11 मई 2021 को इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होता है तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि 18 मई 2021 से होने वाले जो ऑनलाइन आवेदन थे वो फिलहाल आगे स्थगित कर दिए गए हैं। अब परीक्षाएं और सभी चीज़ें भी कराना मुश्किल है, क्योंकि लगभग जून तक सभी कॉलेज यहां पर बंद रहने वाले हैं। घोषणा हो चुकी हैं मई तक के लिए, लेकिन जून तक यहां संभावित हैं कि सभी चीज़ें यहां पर बंद रहेंगी। अभी इस पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो 25 जुलाई को यहां पर परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उससे पहले सभी सेंटर को बनाना, ये सभी चीज़ें, पालियां सेलेक्ट करना, विद्यालय बनाना, सेलेक्ट करना, तो इनके लिए विद्यालयों का खुलना भी आवश्यक है। तो ऐसी बहुत सारी PNP समस्याएं बता रहा है। साथ में देखिए लास्ट में वही बातें बताई हैं कि साथ ही लॉकडाउन की वजह से साइबर कैफे आदि बंद रहने से आवेदन की समस्या अभ्यर्थियों को होगी। तो ये सारी स्थितियाँ PNP के द्वारा बताई गई हैं कि इस वजह से आवेदन की जो तिथियाँ हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है कि 18 मई से जो ऑनलाइन आवेदन थे वो ना लिए जाएं। तो अब स्थिति जो है वो 11 मई तक इस पर साफ हो जाएगी। जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं अब सभी जुलाई के बाद ही इन पर फैसला होने की संभावना बताई जा रही है। संक्रमण के बढ़ते कारण के कारण ये सभी फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हों, चाहे किसी लेटेस्ट भर्ती की परीक्षाएं हों, चाहे 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हों, सभी तरह की परीक्षाओं पर जो अब निर्णय हैं वो लगभग जुलाई में लिए जाएंगे। यहाँ पर नीट जैसी परीक्षाओं पर भी निर्णय जुलाई के आसपास ही अब लिए जाएंगे। सभी पर जो कार्य है पूरी तरह से स्थगित किया गया है, सभी कर्मचारी लगभग कोरोना से संक्रमित हैं, आधे से ज़्यादा छुट्टी पर हैं, जिस कारण से सभी कार्य यहाँ पर रुका हुआ है। इस कारण से परीक्षाओं पर निर्णय अब जुलाई पर ही लिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ, संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ऑर्डर है उसकी सुनवाई कंप्लीट हो गई थी और आदेश आने के लिए इंतजार था, जो कि 40/52/2020 ये था। तो इसके आदेश आने की जो तारीखें हैं वो घोषित हो गई हैं साथियों। जी हाँ, 7 मई 2021 को जो इसका आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा, और आदेश जारी होते ही हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि किसके पक्ष में आदेश आया है। उम्मीद है यहाँ पर अभ्यर्थियों को लाभ भी मिल सकता है। इग्नू
जुलाई सत्र के लिए जो आवेदन है वो 15 जून तक यहाँ पर आप कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी युगनू में छात्र अब जुलाई सत्र के लिए 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय में स्नातक स्नातकोत्तर समेत अन्य प्रोग्राम की जो पढ़ाई कर रहे अभ्यर्थी हैं वो सभी इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। यहाँ पर इग्नू के मुताबिक जो जनवरी और जुलाई सत्र में दाखिला और परीक्षा आयोजित होती है इसी के तहत अब जुलाई सत्र में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और विश्वविद्यालयों में पुराने छात्रों को अगले सत्र या सेमेस्टर में दाखिले के लिए भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लें। 30 साल से खाली पड़े हैं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 7,500 पद। जी हाँ, हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को दिया है नोटिस और कहा है कि संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए 9,080 पद जो सृजित हैं उन पर भर्ती की जाए। प्रदेश के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 7,500 पद 30 साल से खाली पड़े हैं। इनमें से 3 बार 540 पदों को भरने के लिए परीक्षाएं हुई लेकिन अभी तक भर्ती वह पूरी नहीं हो पाई। इस मामले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हाईकोर्ट की लखनऊ और इलाहाबाद में कई बाद भी दाखिल हो चुके हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को नोटिस दे दिया है कि भर्ती प्रक्रिया पर जवाब भी मांगा है क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की इस समय कोरोना संक्रमण के कारण आवश्यकता ज़्यादा है लेकिन भर्तियां ना के बराबर हुई हैं। जो भर्तियां आई हैं उन्हें भी आज तक पूरा नहीं किया गया। आप देख सकते हैं परीक्षा भी नहीं हुई है इन भर्तियों की और ये 2015 में लगभग भर्तियां आई थी। इनका मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन पड़ा हुआ यानी कि 5-6 साल ऐसे भर्ती प्रक्रियाएं पड़ी रहती हैं उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है जिस कारण से हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को लताड़ लगाई है और यहां पर अपडेट और ब्यौरा सभी चीज़ें मांगी हैं। कोरोना कर्फ्यू में स्थगित हों TGT प्रवक्ता के आवेदन। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आवेदन प्रक्रिया रोकने की मांग उठाई है। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से इन दिनों TGT प्रवक्ता भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रदेश भर में सब कुछ बंद होने से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो रही है और कर्फ्यू में बंदी के चलते प्रदेश भर में साइबर कैफे और ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो भी इंस्टीट्यूट वो सभी बंद हैं। ऐसे में अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। चयन बोर्ड से कर्फ्यू के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने की जो यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की गई है क्योंकि अगर स्थगित नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर आवेदन की जो तिथियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। भले ही 10 दिन की आवेदन तिथियाँ और बढ़ाई गई हैं लगभग 15 मई के आसपास तक लेकिन जब संस्थान ही नहीं खुले होंगे तो अभ्यर्थी आवेदन कैसे करेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों का मांग है कि इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कुछ समय के लिए रोक दी जाए और कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद दोबारा से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि जितने भी अभ्यर्थी बचे हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकें। मराठा आरक्षण निरस्त हो। जी हाँ, 50% से ज़्यादा कोटा असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा समानता के अधिकार का ये उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में मराठा आरक्षण को निरस्त कर दिया है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के फैसलों को असंवैधानिक करार देते हुए इसे उच्च शिक्षा व नौकरियों में दिए कोटे को आरक्षण की अधिकतम सीमा यानी 50% का उल्लंघन बताया और इसे निरस्त कर दिया। अब मराठाओं को 50% का जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। MTS 2019 के अभ्यर्थी अभी तक को नहीं मिली है उनको नियुक्ति। चयन के बाद अभ्यर्थियों को नहीं बांटे गए विभाग, देरी पर उठ रहे हैं सवाल। जी हां, कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS 2019 का परिणाम घोषित करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक विभाग का आवंटन नहीं किया गया। विभाग आवंटन के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। विभाग का आवंटन नहीं होने से चयनित अभ्यर्थी नौकरी के इंतजार में भटक रहे हैं। विभाग आवंटन एवं नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान भी छेड़ा लेकिन अभी अधिकारियों के द्वारा कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं की गई। यहां पर चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की ओर से परिणाम घोषित होने से 20 दिन के भीतर विभाग का आवंटन कर देना चाहिए लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम की घोषणा के बाद विभाग का आवंटन नहीं होने से उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सफल अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द विभाग आवंटित किए जाएं।
12 मई तक विवरण दर्ज करा सकते हैं अभ्यर्थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के लिए प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक के पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस आवेदन में 8,194 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के समय इंजीनियरिंग की शाखा के बारे में जानकारी नहीं दर्ज की है। आयोग सचिव की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों से अपनी इंजीनियरिंग की ब्रांच के बारे में जानकारी देने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया था। कोरोना संकट के चलते अब आयोग ने ब्रांच का विवरण दर्ज करने के लिए 12 मई तक का समय बढ़ा दिया है। पीजी प्रोफेशनल कोर्स के पहले सेमेस्टर को छात्रों को देनी होगी परीक्षा, बाकी द्वितीय तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने मंगलवार को आदेश जारी किया है और बदलाव कर दिया है। बैक पेपर परीक्षा के बाद अन्य पर यहां पर निर्णय लिया जाएगा। यह परसों हुई जो मीटिंग थी सभी अधिकारियों की, मीटिंग में अंतिम फैसला यहाँ पर लिया गया। आदेश में कहा गया कि अब पीजी एवं प्रोफेशनल कोर्स के पहले सेमेस्टर को छात्रों को अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के साथ परीक्षा में शामिल होना होगा, जबकि पीजी एवं प्रोफेशनल कोर्स की पहले और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ कोरोना की स्थिति को देखते हुए जुलाई और अगस्त में करवाई जाएंगी। बाकी सभी को यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है, ऐसी यहाँ पर सूचनाएँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल कर आ रही हैं। BHU 15 तक बंद, 30 जून तक परीक्षाएं नहीं होंगी। प्रभारी कुलपति की अध्यक्षता की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी चेतावनी है, कोरोना की तीसरी लहर आना तय। वायरस के भारतीय स्वरूप का प्रसार बढ़ा है, NDC ने ऐसा कहा है। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघव ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर का अंदाजा नहीं था। इतनी भीषण और लंबी कोविड लहर के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। उन्होंने आशंका जताई है कि तीसरी लहर भी आएगी और तीसरी लहर, यहाँ पर केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक कोरोना मरीज उप जो विचाराधीन यहाँ पर हैं, उसके बाद यहाँ पर भी यहाँ प्रवृत्तियाँ दिख रही हैं। अब ये जो तीसरी लहर है वो आपको नवंबर दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगी। 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के अंक भेजने की जो समय सारणी है उसकी समीक्षा होगी। शिक्षा निदेशालय ने CBSE बोर्ड को लिखा है पत्र, कहा है शिक्षक और स्कूल यहां पर कोरोना सहयोग में लगे रहें। 20 जून तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो 10वीं के अभ्यर्थियों को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है उसका रिजल्ट 20 जून तक जारी किया जाएगा, लेकिन जो अंकों की समीक्षा है उसके बाद ही अभ्यर्थियों को यहां पर अंक दिए जाएंगे और उसी के आधार पर जो इनका अंतिम परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा और किसको कितने अंक मिलते हैं, किस आधार पर मिलेंगे, ये उनकी समीक्षा अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। NCHM JEE प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा भी स्थगित है। 7 जून को थी संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा और इसे स्थगित किया गया है। कारण है केवल कोरोना संक्रमण। नीचे ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हैं NTA.ac.in, इन ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अगली परीक्षा की जो तारीखें हैं वो देख सकेंगे। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की। साथियों, यहाँ पर अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि हम 51 जनपद से हैं, हम 0 जनपद से हैं, हम मल्टीपल आवेदक हैं, हम काउंसलिंग कराने नहीं गए थे, हम अपने प्रमाण पत्रों को वापस लेकर आ गए हैं और हम यहाँ पर मल्टीपल वाले हैं, हम काउंसलिंग में नहीं गए, हमने आवेदन ऐसे किया वैसे किया, तो बहुत सारे सवाल है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर जो निर्धारित लिस्ट है जो उस पर सभी को नियुक्ति मिलेगी, उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग होना तय है। थर्ड की मैं यहाँ पर आपको गारंटी नहीं बता सकता, लेकिन सेकंड काउंसलिंग होना तय है। तो जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें हर तरह का अभ्यर्थी शामिल होगा, चाहे किसी के जिले में सीटें हों या ना हों, सभी को यहाँ पर नौकरी मिलेगी। क्योंकि जिस जिले में सीटें होंगी, जिस कैटेगरी की या जिसमें खाली हैं, उस जिले में आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र होंगे और वहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि संख्या भी अभ्यर्थियों की कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी नौकरी पहले लिस्ट में ही पा चुके होंगे और सीटें ज़्यादा से ज़्यादा खाली होंगी, इसलिए सभी को वहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी आगे जो सूचनाएं होंगी हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आज की ये महत्वपूर्ण सूचनाएँ थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।